हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले का गांव दुबलधन दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। अपनी संस्कृति और धरोहर को संजोने की ओर ग्रामीणों का यह कदम सराहनीय कहा जा सकता है। द नेशन टाइम्स पर आपने पहले भी देखा था कि किस प्रकार से इस धार्मिक स्थल की अनदेखी हो रही थी, लेकिन अब राहत भरी खबर यह है कि इस पावन तपोस्थली को सुंदर बनाने की दिशा में ग्रामीणों ने कदम बढ़ा दिया है। इस पावन कार्य का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया। ये एकता बना के एक तरीके से सारे लोगों ने इकट्ठे होके ये बहुत बड़ा काम किया है, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक ये भूमि है, पवित्र भूमि है। इसको एक तरीके से एक हमने विस्तार करने का काम करने का जो फैसला किया है, ये ग्रामीणों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये आसपास के गांव में भी ये संदेश जाएगा कि जो हमारे पुराना इतिहास है उसको किस प्रकार से नई पीढ़ी के अंदर संजोने का जो काम करना है वो इसी प्रकार से होगा। जब इसका जीर्णोद्धार होगा, इसका उद्धार करने का काम जो है ग्रामीणों ने लिया है, समाज ने लिया है, ये जो पूरे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम है, इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो भारत देश वो दिन दूर नहीं तो विश्व गुरु बनने का काम। दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली पर धार्मिक अनुष्ठान की अध्यक्षता स्वामी नितानंद जटेला धाम माजरा के महंत राजेंद्र दास जी ने की। महंत राजेंद्र दास जी ने कहा कि जिस भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया वह स्वयं ही तीर्थ स्थली है। आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि जी महाराज की पुरानी तपोभूमि रही है और 68 तीर्थों में से 68वां तीर्थ दुबलधन में महर्षि दुर्वासा ऋषि के तीर्थ को मानते हैं। आज बड़ी सराहना का कार्य हमारे सरपंच साहब और पूरे गांव ने मिलकर किया है, तीनों पंचायत के सरपंचों ने और पूरे ग्राम ने मिलकर कार्यक्रम किया है कि इस तीर्थ का पुनर्निर्माण के लिए, क्योंकि ये इतना पुराना सदियों का तीर्थ है और ये गांव के बीच में अब आ गया है और इस तीर्थ के ऊपर पुनर्निर्माण के लिए, आपस में भाईचारे के लिए, ताकि हम जातियों की नफरत की दीवारों को तोड़ के इस पवित्र स्थान पे एक होकर के इस तीर्थ की गरिमा के लिए हम मंथन करें, विचार करें, आज उसी को मद्देनजर रखते हुए ये हवन का कार्यक्रम किया गया। गौरतलब है कि महाभारत काल से जुड़े व दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि तीर्थ स्थल पर एकत्रित होकर सभी ग्रामीणों ने इसे पुनः पवित्र बनाने और इसके जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। इस अवसर पर दुबलधन परिवार के समस्त सदस्यों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर एकता का संदेश दिया। द नेशन टाइम्स के लिए झज्जर के गांव दुबलधन से नवीन कौशिक की रिपोर्ट।